मध्य प्रदेश कांग्रेस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता जो मध्य प्रदेश के हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं ज्योतिराय सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। फिलहाल कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, हालांकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी तक नई नियुक्ति तक कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और अगला अध्यक्ष कौन हो इस पर लगातार चर्चा चल रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से आए हुए मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं कि वो मांग कर रहे हैं कि ज्योतिराय सिंधिया को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? हम लोगों की ये मांग है कि जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा और किसानों के अन्नदाता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहिए, उनका हक बनता है। सिंधिया जी के खातिर आज हम सब लोग गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सम्मान से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। इसमें अहम भूमिका आदरणीय सिंधिया जी की है। सिंधिया जी ने काफ़ी सीटें जीतकर चंबल संभाग से इस कांग्रेस का नाम रोशन किया और आज मैं नीमच जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के नाते आदरणीय सोनिया जी से, आदरणीय राहुल जी से मांग करूँगा कि जन भावनाओं को देखते हुए हम सबके नेता, जन जन के लाडले आदरणीय सिंधिया जी को तत्काल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। और भी कुछ लोग आए हुए हैं मध्य प्रदेश से। आपने कहा कि आप लोगों को ज्योतिराय सिंधिया का नेम अगर फोटो लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, उससे रोका जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले उमंग सिंगार जो कि वन मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह सुपर CM बनकर काम कर रहे हैं और कई संगीन आरोप दिग्विजय सिंह पर उन्होंने लगाया था। हम लोग महाराज के सपोर्ट में हैं, अब महाराज जी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इसके लिए हम लोग, हमारे सारे जिला अध्यक्ष हैं, नीमच के हैं और जबलपुर के हैं, होशंगाबाद छिंदवाड़ा के आए हुए हैं, हम लोग पूरे सारे जिला अध्यक्ष चाहते हैं। उपभोक्ता कांग्रेस प्रकोष्ठ के जितने जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग चाहते हैं कि महाराज जी को ही बनाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी को ही बनाया जाए। महाराज जी के साथ में सारे जनता जनार्दन, गरीब, तेंदुपत्ता के मसीहा जितने भी हैं, सब सारे जनता जनार्दन महाराज जी के साथ में। महाराज जी के चलते पूरी सीट आई है, अपने 20-25 सीट जो भी आई है तो महाराज जी के चलते आई है। अब महाराज जी को हम लोग चाहते हैं। ज्योतिराय सिंधिया के नाम पे आपत्ति किनको है जो कि नहीं चाहते कि ज्योतिराय सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए? यही तो कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि कांग्रेस पार्टी के ही लोग उनको नीचा दिखाना चाहते हैं या नीचा गिराना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि आपका, हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि आप तो CM के लायक थे, लेकिन आपको चलो CM पद का दावेदार नहीं बनाया गया, तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया जाना चाहिए। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आज नवयुवक हैं आप, होनहार हैं, प्रदेश को लेकर चलने वाले हैं, प्रदेश की जनता को लेकर चलने वाले हैं। इसलिए सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं जबलपुर उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष शेख राहुल कुरेशी, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दें। आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से सरकार चले और विकास भी हो? आपको क्या लगता है कि ज्योतिराय सिंधिया के नाम पे जो लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं, जो लोग परेशानी कर रहे हैं, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता ज्योतिराय सिंधिया के नाम पे कार्यकर्ता आगे आए या उनको तरजीह मिले, वो नहीं चाहते ज्योतिराय सिंधिया का पोस्टर बैनर मध्य प्रदेश में लगे, वो अध्यक्ष बनने पर भी रोड़े अटका रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो कि ज्योतिराय सिंधिया के नाम पर रोड़े अटका रहे हैं? अभी वो लोग जो हैं ना समझ हैं, सिंधिया जी महाराज जी ही बनेंगे अध्यक्ष, जो उनके विपक्ष में हैं वो लोग रोड़े अटका रहे हैं, कह रहे हैं अगर अपन महाराज जी के पोस्टर है हाईलाइट ना करो, छोटा लगाओ, इधर ना लगाओ, उधर ना लगाओ, मेरा लगाओ, इसका ना लगाओ। आज महाराज जी इस पोजीशन में, मध्य प्रदेश में अगर मजबूती है तो केवल महाराज जी के वजह से है। आगे भी भविष्य में जो मिल रहा है आज मध्य प्रदेश में, केंद्र ने बजट नहीं दिया उसके बाद भी जो समस्याएं हैं महाराज जी के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सपोर्ट किया, दोनों मिलके प्रदेश को आगे ले जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह दिक्कत कर रहे हैं? शायद ऐसा मेरा मानना है, वो बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, प्रदेश के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, पर वो अपना पक्ष ना रखते हुए खुद के पैनल को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो आपको भी लगता है शिकायत दिग्विजय सिंह से है? बराबर आप दिग्विजय सिंह जी इसमें रोड़ा बने हुए हैं और हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि आदरणीय सिंधिया जी जो गरीबों के मसीहा है उनको मध्य प्रदेश का जिंदाबाद।
कि आपने देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं, नेता आए हुए हैं, वो लगातार ज्योतिराय सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह पूरे कांग्रेस पार्टी के सामने एक रोड़ा बन के प्रदेश के बाकी नेताओं के सामने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।